हेलो स्टूडेंट्स, आज न्यूमेरिकल कर लगे हैं। कन्वर्ट करना सी जी एस टू एम के एस। असं जो पहले न्यूमेरिकल किए थे ना स्टूडेंट्स, वो किए थे अं एम के एस टू सी जी एस। असं जो पहले किए थे वो अपना एम के एस टू सी जी एस किए थे। अज असी सी जी एस टू एम के एस जाना। अच्छा, अज असी सी जी एस टू एम के एस जाना। तो मैं पहले न्यूमेरिकल करा लगा। इफ दी डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हुण आए यूनिट कहे है, सी जी एस है ना। असं कन्वर्ट करना इट्स वैल्यू इंटू किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि आ गया हूँ एम के एस, यूजिंग डिमेंशन इक्वेशंस, या डिमेंशन एनालिसिस भी कह लें, डिमेंशन इक्वेशन भी कह लेंगे। ओके, हूँ सब तो पहले जब सी जी एस टू एम के एस जाना। अच्छा, हूँ आ गया डेंसिटी ऑफ मरकरी। पहले तो डेंसिटी के तुम पता होना चाहिए डिमेंशन की है। डेंसिटी के जो फॉर्मूला होंगे वैसे डेंसिटी, डेंसिटी एक्चुअली की है स्टूडेंट्स, मास बाय वॉल्यूम। ओके, तुसी दे डिमेंशन बना सकते। मास का एम वन आ गया, वॉल्यूम कितना एल क्यूब, ठीक है, लेंथ ब्रेंथ इनटू हाइट एल क्यूब आएगा। टाइम से चाहना ही, सो मुक्क दी गल है। एम वन एल माइनस थ्री, तो टी कितना आया जीरो। ओके, एल कितना आया माइनस थ्री। एम वन एल कितना आया माइनस थ्री, तो टी कितना आया जीरो। एम वन एल माइनस थ्री, तो टी जीरो। टाइम नहीं ना आएगा तो टाइम जीरो आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हूँ अपन कंपेयर करते होने हैं सिंपल एम एल टी लिख के, ये पावर कि एक्स वाई तो जैड। अच्छा, इन कंपेयर करो तो एक्स की वैल्यू कि वन, तो वाई कि आया माइनस थ्री, तो जैड कि जीरो। उस तो बाद कहते स्टूडेंट्स, मैं इतने एक लाइन मार देंगे, इतने एक लाइन लिख, इतने लिखूंगा सी जी एस, इतने लिखूंगा एम के एस, ठीक है। जो असं पहले कितने आप एम के एस इधर लिखते हैं, सी जी एस इतने लिखते हैं। हूँ आप सी जी एस इधर लिखना, तो एम के एस इधर लिखना, क्योंकि आप सी जी एस टू एम के एस जाना। हूँ सी जी एस टू एम के एस जाना, पहले आएगा एन वन, एन का नंबर। हूँ इतने नंबर कि 13.6। ओके, मैं इतने 13.6 लिखता। अच्छा, उस तो बाद एम वन, एम वन कि मास, मास कि गा सी जी एस ग्राम, इतने ग्राम आ गया। उस तो बाद आ जाता एल वन, एल वन लेंथ, लेंथ कि सेंटीमीटर चाहिए। टी वन कि सैकेंड। ओके, टी वन कि आ गया सैकेंड, एल वन आ गया सेंटीमीटर, एम वन मास। हूँ एक ग्राम च तुसी मेरे पुरानी वीडियोस देख सकते जे कि एक ग्राम च किन्ने किलोग्राम, 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम। अच्छा, हूँ एक सेंटीमीटर च 10 की पावर माइनस 2 मीटर, सैकेंड एक सैकेंड। हूँ एम के एस एन टू फाइंड करा। अच्छा, एम टू की है फिर स्टूडेंट्स, एम टू मास। हूँ एम के एस मास कि किलोग्राम, लेंथ कि एल टू मीटर, टी टू कि वन सैकेंड। अच्छा, तुम मैं कहोगे कि सर आप सेंटीमीटर तो एम मीटर क्यों बनाया, क्योंकि इधर मीटर है ना, असं इधर भी मीटर बनाना सी, तो इधर किलोग्राम करना। देखो तो आप इतने भी ग्राम तो किलोग्राम बनाना सी, तो एक ग्राम से 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम होंगे, यानी कि एक ग्राम च 1/1/1000 किलोग्राम होंगी है। तो अपन उपर लै जाएंगे तो 10 की पावर माइनस 3 हो जाता है। असं मेरी पुरानी वीडियोज मैं पूरा एक्सप्लेन किया है। हम आप सॉल्व कर दें स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, असी अज फिजिक्स टाइप 3 कर लगे हैं, थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल्स करने हैं स्टूडेंट्स। पहली टाइप असं कर चुके हैं जिद कन्वर्ट सिस्टम किया सी जी एस टू एम के एस, तो एम के एस टू सी जी एस आप कन्वर्ट करते फस्ट टाइप च। तो सैकेंड टाइप असी करैक्टनैस क्वेश्चन की थी, राइट हैंड साइड इक्वल टू लैफ्ट हैंड साइड। असं अज कर रहे हैं टाइप थर्ड न्यूमेरिकल्स। ए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ने, एंड नीट के एग्जाम च कंपीटिशन एग्जाम च आंदे इहदे टाइप दे एक न्यूमेरिकल आ जाता है। ये एग्जाम च बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे न्यूमेरिकल। यह न्यूमेरिकल होंगे अगर यह देखना होंगे कि कई चीज़ कितने डिपेंड करती है, तो फिर अपन सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मैथड ऑफ डिमेंशन। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देना, ये बॉडी आ जिहदा मास एम आ, मूविंग कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी कह लो वी इन ए सर्कल। जी बॉडी का मास कि एम सी मूव कर रही है, जो मूव करना इट मीनस उन्हें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी वी हो गई। अच्छा, इन ए सर्कल, तो जो सर्कल आ तो इट मीनस वो फिर रेडियस होएगा आर, ठीक हो गया ना। तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स एफ बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिमेंशन। अच्छा, हूँ अपन फोर्स फाइंड करनी है, असं देखना कि जी फोर्स है ओके कितने डिपेंड करती है, मास से, रेडियस से, वेलोसिटी से। जे इट मीनस ये डिपेंड कर रही है, तो मैं इस तरह लिख सकता जी फोर्स है, एक
डिपेंड कर दिया मास पे। एस साइड इन द स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि देखो मास कितने डिपेंड करता फोर्स पे, तो फोर्स कितने डिपेंड कर दिया मास पे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मास द इफेक्ट फोर्स पे भी है, एरिम पावर पाती है। अच्छा फोर्स कितने डिपेंड कर दिया वेलोसिटी पे, फोर्स कितने डिपेंड कर दिया रेडियस पे। इतने मैं बी पाता सी पाता, तुसी एक्स वाई जेड भी लिख सकते जी पावर एरी। ओके इन्हें सोल्व करने वास्ते एक ट्रिक है स्टूडेंट्स। सेकेंड स्टूडेंट्स, यह जो साइन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीनस होंगे कि देखो इट फोर्स यदा इफेक्ट फोर्स से पै रहा है, फोर्स इफेक्ट ये पै रहा है, यह डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्टली प्रपोर्शनल। तो अपने इदा भी कंबाइन कर दो क्वेश्चन की आएगा एफ प्रपोर्शनल एम ए वी बी आर द सी। स्टूडेंट्स ए प्रपोर्शनल साइन हटा दो, एफ फिजिकल कि के कोई भी प्रपोर्शनल साइन हटाओगे तो कॉन्सटेंट टर्म यू आएगी स्टूडेंट्स एम ए वी बी आर सी। नैक्सट की है स्टूडेंट्स तुम देख सकते जी हूँ असं डिमेंशन फिल करने हैं। ओके ए स्टूडेंट्स की सी फोर्स, एफ की है फोर्स स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ फोर्स डिमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू। ओके के एज इट ईयर एम मास, मास के नाम स्टूडेंट्स एम वन एल जीरो टी जीरो। ओके स्टूडेंट्स वी की है स्टूडेंट्स वेलोसिटी है, स्टूडेंट्स चेक कर सकते जी वी वेलोसिटी के डिमेंशन की है एम जीरो एल वन टी माइनस वन। ओके स्टूडेंट्स आर इक्वल टू की होएगा रेडियस, तो स्टूडेंट्स रेडियस की है एम जीरो एल वन टी अगेन जीरो। सारी वैल्यू स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन च फिल कर दो, फस्ट क्वेश्चन मैं मान लेना सारी वैल्यू च फिल करनी है स्टूडेंट्स। ओके हेलो स्टूडेंट्स, असी अज फिजिक्स टाइप थ्री कर लगे हैं, थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल्स करने हैं स्टूडेंट्स। पहली टाइप असी कर चुके हैं जिद कन्वर्ट सिस्टम किया सीजीएस टू एम के एस, तो एम के एस टू सीजीएस आप कन्वर्ट करते फस्ट टाइप च। तो सैकेंड टाइप से असी करैक्टनैस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड इक्वल टू लैफ्ट हैंड साइड। असं अज कर रहे हैं टाइप थर्ड न्यूमेरिकल्स, ए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ने, ए नीट के एग्जाम च कंपीटिशन एग्जाम च आंदा ही, ए टाइप का एक न्यूमेरिकल आ जाता है, ये एग्जाम च बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे न्यूमेरिकल। ए न्यूमेरिकल होंगे अगर यह देखना होंगे कि कई चीज़ कितने डिपेंड करती है, तो फिर अपने सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ मैथड ऑफ डिमेंशन। जैसा कि मैं तुम्हें एग्जाम्पल देना, ये बॉडी आ जिसका मास एम आ मूविंग कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी कह लो वी इन ए सर्कल। जी बॉडी है मास कितना एम सी मूव कर रही है, जो मूव करना इट मीनस उन्हें वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी वी होगी। अच्छा इन ए सर्कल, तो जो सर्कल है इट मीनस होगा फिर रेडियस होएगा आर। ठीक हो गया ना, तो फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिमेंशन। अच्छा हूँ अपने फोर्स फाइंड करनी है, असं देखना जी फोर्स है ओके कितने डिपेंड करती है मास से रेडियस से वेलोसिटी से। जे एक मिनट से इतने डिपेंड कर रही, तो मैं इस तरह फिर लिख सकता जो फोर्स है एक डिपेंड कर रही है मास से। इस साइन द स्टूडेंट्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल, यानी कि देखो मास कितने डिपेंड करता फोर्स से, तो फोर्स कितने डिपेंड कर रही है मास से। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मास का इफेक्ट फोर्स से भी है, एरिम पावर पाती है। अच्छा फोर्स कितने डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, फोर्स कितने डिपेंड कर रही है रेडियस पे। इतने मैं बी पाता सी पाता, तुसी एक्स वाई जेड भी लिख सकते जी पावर एरी। ओके इन्हें सोल्व करने वास्ते एक ट्रिक है स्टूडेंट्स। सेकेंड स्टूडेंट्स, यह जो साइन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मीनस होंगे कि देखो इट फोर्स यदा इफेक्ट फोर्स से पै रहा है, फोर्स इफेक्ट ये पै रहा है, यह डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्टली प्रपोर्शनल। तो अपने इन्हें इदा भी कंबाइन कर दो क्वेश्चन की आएगा एफ प्रपोर्शनल एम ए वी बी आर द सी। स्टूडेंट्स ए प्रपोर्शनल साइन हटा दो, एफ फिजिकल कि के कोई भी प्रपोर्शनल साइन हटाओगे तो कोई कॉन्सटेंट टर्म यू आएगी स्टूडेंट्स एम ए वी बी आर सी। नैक्सट की है स्टूडेंट्स तुम देख सकते जी हूँ असी डिमेंशन फिल करने हैं। ओके ए स्टूडेंट्स की सी फोर्स, एफ की है फोर्स स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ फोर्स डिमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू। ओके के एज इट ईयर एम मास, मास के नाम स्टूडेंट्स एम वन एल जीरो टी जीरो। ओके स्टूडेंट्स
वी की स्टूडेंट्स वेलोसिटी है, स्टूडेंट्स चेक कर सकते हैं जी वी वेलोसिटी डिमेंशन की है एम जीरो एल वन टी माइनस वन। ओके स्टूडेंट्स आर इक्वल टू की होएगा रेडियस, तो स्टूडेंट्स रेडियस की है एम जीरो एल वन टी अगेन जीरो। सारी वैल्यू स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन च फिल कर दो, फर्स्ट क्वेश्चन है मैं मान लेना सारी वैल्यू च फिल करनी है स्टूडेंट्स। ओके ओके स्टूडेंट मैं सेकंड प्रॉब्लम दा डिस्कस कर लगा। इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड देख सकते जी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम, हूँ देखो जी वेलोसिटी फाइंड करनी है बस साउंड इन मीडियम डिपेंड कहते कर दी एक इलास्टिसिटी एक डेंसिटी बस दो चीज़ा से इलास्टिसिटी डिमेंशन जिस आप दसी ना फोर्स कितने डिपेंड करती है इसे तरीके से वेलोसिटी कितने डिपेंड करती है इलास्टिसिटी डेंसिटी से असं यही ड्राइव रिलेशन करना velocity of sound in a medium by method of a dimension। अच्छा हम देखो देख सकते जी elasticity ना ई तो शुरू होती है तो डिनोट कि करेंगे ई कैपिटल ई ना डेंसिटी को कि करेंगे डी ना समॉल डी ना लिखो स्टूडेंट तो समॉल डी डिनोट करना। अच्छा फिर velocity ई से डिपेंड करती है तो velocity डी से डिपेंड करती है डेंसिटी से तो elasticity से यदि पावर कि पाती ए तो यही पावर कि बी जिम्मे मैं हम पहले नुमेरिकल से शो किया हो जे velocity पर डिपेंड करती है तो velocity पर डिपेंड करती है इक्वेशन कंबाइन करता है तो देख सकते हैं ऐसा ही हटाइए प्रोपोर्शनल का तुम्हें पता के कॉन्सेप्ट हम आएगा तो वो भी तुम्हें पता है। अच्छा हूँ यह इलासिस जी वेलोसिटी है ना वेलोसिटी की तरह डिमेंशन पता से एम जीरो एल वन टी माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स तो इलास्टिसिटी की डिमेंशन की है एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है स्टूडेंट्स जी डेंसिटी की एम वन एल माइनस थ्री टी जीरो जो बच्चों नहीं आते तो स्टूडेंट्स चार ढंग है प्रॉपर फर्स्ट यूनिट मैं तुम्हें पहले भी पढ़ा चुका समझा चुका डेंसिटी एक्चुअली होंगे कि है मास बाय वॉल्यूम मास एम वन आए ना वॉल्यूम की होंगे वॉल्यूम है लेंथ ब्रेंथ इंटू हाइट है वी वॉल्यूम तो लेंथ ब्रेंथ इंटू हाइट की होगा एल क्यूब पर हो जाएगा माइनस थ्री। ठीक है यह तुम डिमेंशन वैसे मिल ही जाएंगे करना कुछ नहीं स्टूडेंट्स पहले मैंने मेरे को वेलोसिटी वैल्यू फिल कर दो इलास्टिसिटी वैल्यू फिल कर दो डेंसिटी वैल्यू फिल कर दो ए मैं फिल कर दिया देख सकते जी। ओके स्टूडेंट्स की है नैक्सट है देखो एम जीरो एल वन टी माइनस वन इक्वल टू ओके हूँ इतने एम वन बेस सेम पावर एड करनी है यदि पावर ए सी ए पावर बी सी ए प्लस बी आएगा। क्लीयर हो गया स्टूडेंट्स ओके हूँ यह एल माइनस है जी वन तो इतने है जी ए देख सकते जी एल कि आएगा माइनस सी। ठीक हो गया इतने ए माइनस है जी उस तो बाद नैक्सट स्टैप की स्टैप स्टूडेंट देख सकते जी इतने माइनस थ्री तो बी सी तो माइनस थ्री भी हो जाएगा माइनस ए माइनस थ्री बी एल की वैल्यू तो टी की वैल्यू माइनस टू ए टी इतने है नहीं बस ए है माइनस टू ए हूँ जो कंपेयर करोगे ए प्लस बी के बराबर आएगा जीरो दे आ देखो। अच्छा माइनस ए माइनस थ्री बी एल की वैल्यू भी है तो इतने एल कि वन है तो माइनस ए माइनस थ्री बी इक्वल टू वन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स इतने माइनस टू ए के बराबर आएगा माइनस वन के बराबर आएगा इतों माइनस माइनस कैंसल करो हाँ तुम ठीक है इतों माइनस माइनस कैंसल करो तो ए की वैल्यू कि आएगी वन बाय टू। ओके स्टूडेंट ए की वैल्यू कि आएगी वन बाय टू। ओके यदि ए की वैल्यू वन बाय टू है स्टूडेंट्स अगर मैंने तो सोल्व की हुई है देखो तुम ए वैल्यू वन बाय टू आना ए वैल्यू वन बाय टू तुम इस ए फिल कर दो इस क्वेश्चन इतने कितना आएगा माइनस वन बाय टू आ देखो माइनस वन बाय टू माइनस थ्री भी इक्वल टू वन आ गया माइनस थ्री भी रह गया माइनस वन बाय टू देखिए पॉजिटिव थ्री की हो जाएगा थ्री बाय टू तो बी इतने रह गया माइनस तो रह गया थ्री थ्री चल गया थ्री थ्री कैंसल तो माइनस वन बाय टू बी की वैल्यू भी आ गई माइनस वन बाय टू बस कुछ नहीं करना ए तो बी की वैल्यू सू चाहिए कुछ नहीं करना तुम इस फस्ट क्वेश्चन के चौधरी आ जाना ये वैल्यू फिल कर दो ए की कि आ गई वन बाय टू देखो वन बाय टू लिखे हुआ डी की कि माइनस वन बाय टू हम नैगेटिव है फिर पॉजिटिव बनाना तुम्हें की करना नीचे लियाओ या नीचे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स के बार हूँ इस वैल्यू में कह बाय देखो वन बाय टू वन बाय टू लिख सकते हैं वन बाय टू में अभी रूट भी पा सकते हैं। ओके तो के नू बाय एक्सपैरीमेंटल फिर वन ले लिया इतने तुम इतने भी छोड़ो तभी ठीक है जो के नू वन लेना फिर ज़्यादा यह आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स तुम्हें दोनों नुमेरिकल समझ आए हो ये सॉल्व करने हैं जो नहीं आएंगे तो मैं परसनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते जी स्टूडेंट्स दैन